किसी ने ठीक ही कहा है कि समय के साथ ताल मिलाना बहुत जरूरी है, यानी कि टाइम के हिसाब से चेंज होना काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो टाइम आगे निकल जाएगा। टाइम में ना सब कुछ डिजिटल हो चुका है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ाई करके कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहता है। कुछ लोग कंप्यूटर में हैकर बनना चाहते हैं तो कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और कैसे आप एक कंप्यूटर के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट कैसे बने, हाउ टू बिकम अ कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो कंप्यूटर की पूरी जानकारी कैसे ले, इसमें जीनियस कैसे बने, आइए जानते हैं। कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना या इसमें जीनियस बनना कोई एक दिन का काम नहीं है। एक कंप्यूटर जीनियस बनने के लिए आपको कई महीने या कई साल भी लग सकते हैं, और ये सब निर्भर करता है कि आपको कंप्यूटर फील्ड में कितना इंटरेस्ट है और रोज आप कंप्यूटर सीखने में कितना टाइम देते हैं। और ऐसे में कई सारे लोग तो बिना कंप्यूटर में डिग्री पूरी करे भी कंप्यूटर में जीनियस बन जाते हैं। तो आप भी सोचते होंगे कि कैसे कंप्यूटर एक्सपर्ट बना जाए, इसके लिए किस तरीके की पढ़ाई हमें करनी चाहिए 10th के बाद या फिर 12th के बाद। तो आइए जान लेते हैं कुछ टिप्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए। पहला है कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ले। अगर आप अभी स्कूल के स्टूडेंट हैं और आप आगे जाकर के कंप्यूटर मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ खास नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कैसे चालू होता है, कंप्यूटर में रैम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, किस तरीके से कंप्यूटर में पासवर्ड लगाए जाते हैं इत्यादि। तो स्टार्ट में आप कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम चलाना सीखें, तो इसके लिए आप चाहे तो किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सीख सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर लेकर के इंटरनेट से भी ये सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर चलाना सीखें, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, पेंट ये सब सीखें और कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स की जानकारी भी लें। दूसरा है सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना सीखें। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना नहीं आता, बल्कि उसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होती है, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, काली लिनक्स इत्यादि। तो इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्हें चलाना आना ही चाहिए। तो आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इन सभी ओएस की जानकारी ले सकते हैं, ताकि आपसे कोई किसी भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो तो आप उसे आसानी से ठीक कर सके। तीसरा है कंप्यूटर प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करें। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट या मास्टर का काम यही होता है कि उसे कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी हो और कंप्यूटर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम यानी कि खराबी को वो आसानी से ठीक कर सके। तो ऐसे में आपके सामने जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपसे ठीक नहीं हो रही है तो कोशिश करें कि इंटरनेट की आप मदद लें, इंटरनेट में आपको सारे हल मिल जाएंगे। किसी भी तरीके से उस कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अगर आपके दोस्त या परिवार के किसी के यहाँ पर कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है तो आप उसे ठीक करने की कोशिश करें और उन्हें उनका सलूशन बताएं। तो इससे आपका कंप्यूटर में जो एक्सपीरियंस है वो तो बढ़ेगा ही, और बाद में कभी भी दोबारा वो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आप आसानी से उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी की मदद और इंटरनेट की मदद लिए। नंबर 4 पर है ऑनलाइन ब्लॉग और वीडियो देखें। एक कंप्यूटर जीनियस या फिर कहे कि कंप्यूटर एक्सपर्ट रोजाना नई नई चीजों के बारे में नॉलेज लेता है। ऑनलाइन ब्लॉग, आर्टिकल्स पढ़ करके और इंटरनेट में वीडियोस देख करके कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में जहां से उन्हें कई चीजों के बारे में पता चलता है जो कि उन्हें पता नहीं होती। तो अगर आपको भी बनना है एक कंप्यूटर मास्टर तो आपको भी रोजाना कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े हुए ब्लॉग्स को पढ़ना चाहिए और वीडियोस भी देखने चाहिए, ताकि आपका नॉलेज रोजाना बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में आपको कंप्यूटर के बारे में काफी अच्छी नॉलेज भी हो जाएगी। पांचवा है कंप्यूटर की एडवांस्ड स्किल्स की जानकारी ले। जैसे ही आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया है और अब आपको कंप्यूटर एक खिलौने की तरह लगने लगे, तो इसके बाद आप कंप्यूटर में एडवांस्ड स्किल्स की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, नेटवर्किंग इत्यादि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अभी स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरी एडवाइस यही होगी आपके लिए कि आप 10th पास करने के बाद 11th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चुनें, और इसके बाद जैसे ही 12th पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर सब्जेक्ट को चुनना होगा, ताकि आप इन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ सके। तो इस डिग्री में आपको इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है तो ये डिग्री आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है।
नंबर 6 पर है सीखना कभी बंद न करे। शायद आप नहीं जानते होंगे कि कंप्यूटर एक्सपर्ट या कंप्यूटर जीनियस कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज में डिग्री या मास्टर कर लेने के बाद आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गए हैं, तो ऐसा कभी मत सोचिए। हमेशा कंप्यूटर के बारे में जो कुछ भी छोटा मोटा ज्ञान मिले, छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन मिले, आप उसे सीखते रहिए, क्योंकि कौन सी चीज कब काम आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस तरीके से आप इन सभी टिप्स को फॉलो करके कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं और कंप्यूटर में अपना करियर भी बना सकते हैं। ध्यान रखें, एक्सपर्ट बनने में आपको बहुत समय लगेगा, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। और इसी के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आगे भी ऐसे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।